पंडित जी, हमें पूर्वजों की आत्म शांति के लिए क्या करना होगा? तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों की आत्म शांति के लिए यज्ञ करना होगा और दान पुण्य करना होगा। ओम शिवाय नमः। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम प्रस्थाश्रम। ओम सन्याश्रम। ओम ओम ब्रह्म ब्रह्म। ओम 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 आलम शांति नमः। ओम अरे, ये कौवे क्यों नहीं आ रहे हैं? लगता है तुम्हारे पितर तुमसे बहुत नाराज हैं। अरे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो चलो चलो। लगता है ये पंडित इसे उल्लू बना मूर्ख बना कर इसे लूट रहा है, ठग रहा है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अरे, ये कौन है? ये पागल तो नहीं हो गया है? ये नदी का पानी निकाल कर बाहर सड़क पर क्यों फेंक रहा है? लगता है कोई पागल है। चलो हम इसे समझाते हैं। ठीक है। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं मेरे पास के गांव में मेरा एक खेत है, मैं उसी में पानी डाल रहा हूँ। पास ही के गांव में तुम्हारा एक खेत है और तुम पानी यहाँ डाल रहे हो और कह रहे हो कि तुम्हारे खेत में पानी डाल रहे हो? यह रखे हुए तुम्हारे चावल, ये पंडित स्वर्ग तक पहुँचा सकता है, तो मैं ये पानी मेरे खेत तक क्यों नहीं पहुँचा सकता? अबे चुप बुड़बक, कुछ भी बके जा रहा है, पागल तो नहीं हो गए हो तो? जब सियानाप शनाप बके जा रहा है। ओ पंडित, तुम तो बिल्कुल सही बात कर रहे हो मित्र। मैं शर्मिंदा हूँ मित्र कि मैंने तुम्हें पागल कहा, मुझे माफ कर दो। तुमने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी। कोई बात नहीं मित्र, मेरा तो यही काम है।